पहले कि मैं वीडियो के बारे में आप सभी को बताऊं, उससे पहले 100 स्टूडेंट्स का जो फ़िलहाल अभी कमेंट आ रहा है आज के डेट के हिसाब से, जितने भी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसके रिजल्ट्स को लेकर, यानी कि जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, जितने भी पेपर का भी एग्ज़ाम हुआ जैसे डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, मास्टर के कोर्सेज़ का भी, मतलब इन सारे कोर्सेज को लेकर स्टूडेंट्स का अभी कमेंट फ़िलहाल ये आ रहा है कि इनका रिजल्ट कब आएगा। तो अभी मैं उन क्योंकि हर स्टूडेंट्स को सेपरेट रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे में मैं बड़ा सिंपल सभी को यूँ समझे सभी का रिप्लाई है इस वीडियो में। तो आप ऐसे समझे अभी फ़िलहाल कोई रिजल्ट नहीं आया है पहली चीज़, और अब सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो मान के चलिए कि अगले यानी फर्स्ट वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक से आपके रिजल्ट जो है वो पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। अब ये देखना होगा कि पहला रिजल्ट किसका आता है, बट रिजल्ट आना मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं आया। हाँ, ये मान के चलिए कि पूरे सितंबर तक आपके रिजल्ट आते ही रहें, क्योंकि जामिया में कोई एक कोर्स नहीं है, जामिया मल्टीपल कोर्स है, तो हर दिन अलग अलग कोर्सेज़ का रिजल्ट आता रहेगा, आपको फिलहाल अपडेटेड रहना होगा। ये तो फिलहाल रिजल्ट की बात हो गया। अब हम आते हैं पीएचडी वाले एस्पिरेंट के लिए कि उन्हें स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम है और ये वो स्टूडेंट्स हैं। याद रहे इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो एजे के मास एंड कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म वाले में जो भी अप्लाई किए थे पीएचडी एस्पिरेंट, वो ज़रूर एक बार अभी ऑफिशियल साइट पर जाकर जरूर चेक कर लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वाला स्टूडेंट्स में जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वो उनको जो है एडमिशन का जो प्रोसेस जो है वो 31 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। तो इसके लिए वो थोड़ा फिलहाल अपडेटेड है, वैसे तो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स खुद ही अवेयर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड रिजल्ट के लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।